दूरस्थ शिक्षा के द्वारा DL-ED कार्यक्रम राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा चलाया जा रहा है। उनमें SSA के द्वारा और साथ ही विश्व बैंक संपोषित दो तरह के DL-ED कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और SSA के द्वारा जो DL-ED दूरस्थ शिक्षा के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनमें 2013 में प्रथम नामांकन हुआ है, उसके बाद 14 में, और जितने भी नामांकित हैं और नामांकित प्रशिक्षणार्थी चतुर्थ सेमेस्टर में प्रशिक्षण ले रहे हैं या उनका प्रशिक्षण खत्म हो गया है, उन सारे प्रशिक्षणार्थियों का और इनके साथ वैसे भी प्रशिक्षणार्थी जो चतुर्थ सेमेस्टर के SBP 2 में किसी कारण से अनुपस्थित रहे हैं उनके लिए परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई है और राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा वह तिथि 8 मई 2018 से 21 मई 2018 के बीच है। सभी प्रशिक्षणार्थियों और साथ साथ केंद्र समन्वयकों से सादर आग्रह है कि उक्त तिथि को सभी प्रशिक्षणार्थियों को जो जिन्हें SBP 2 देना है उन्हें सूचित करने की कृपा की जाए और साथ ही सभी प्रशिक्षणार्थियों से आग्रह है कि आप अधिक से अधिक इस सूचना को और अपने मित्रों के पास पहुँचाएँ या जो किसी कारण से छूट गए हैं उनको इस सूचना को यथाशीघ्र पहुंचाने की का कष्ट करें। मित्रों, SBP 2 चतुर्थ सेमेस्टर पटना की अगर बात किया जाए तो 6 सेंटर्स हैं। 6 सेंटर्स पर किसी कारणवश जो चतुर्थ सेमेस्टर के SBP 2 में छूट गए हैं और उसके अलावा PTEC महेंद्रू केंद्र पर 2014 में नामांकन हुआ, उसके अलावा बाद में जिन जिनका परीक्षा फल आया अलग अलग केंद्रों से उनका भी समेकित रूप से उसी केंद्र पर चतुर्थ सेमेस्टर का संपर्क कक्षा चलाए गए जो गत वर्ष उनकी संपर्क कक्षाएं पूरी हो गई हैं, उनका SBP 2 नहीं हुआ है। तो उनसे भी आग्रह है, उन प्रशिक्षणार्थियों को सूचित किया जाता है कि आप SBP 2 के लिए पूर्णतः तैयारी कर लें और साथ ही साथ केंद्र समन्वयक से आग्रह है कि सभी प्रशिक्षणार्थियों को इसकी सूचना देने की कृपा की जाए। मित्रों, ये जो SBP 2 की परीक्षा होगी उसका समय 9:30 पूर्वाह्न से 4:30 अपराह्न तक है और उसके लिए जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आप प्रशिक्षणार्थियों सभी प्रशिक्षणार्थियों को लाना है उसमें एक्शन रिसर्च है, विद्यालय आधारित गतिविधियां हैं, विद्यालय उन्नयन योजना है और साथ साथ लर्निंग प्लान जितने रिकमेंडेड हैं उतने लर्निंग प्लान के साथ साथ प्रत्येक विषय के 2 लर्निंग प्लान कम से कम साधन सेवी द्वारा या शिक्षक द्वारा जो उस विषय के प्रशिक्षण दिए हैं उनसे हस्ताक्षरित होने चाहिए। मित्रों, पुनः धन्यवाद और आशा के साथ कि आप इस सूचना को जल्दी से जल्दी अपने मित्रों अपने उन सहकर्मियों को जो किसी कारण से अभी तक इस परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए हैं या प्रशिक्षण चतुर्थ सेमेस्टर का ले रहे हैं उन्हें सूचित करने का कष्ट करें जिससे उनकी परीक्षा समय सीमा के अंदर ली जा सके। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।